आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स कुक पे। तो आज हम बनाने वाले हैं आम से आम की बहुत ही फेमस बंगाली डिश सौंदेश। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले इन आम के पल्प्स निकाल के इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने पनीर लिया है, ये घर का बनाया हुआ पनीर है। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया हुआ है और इसको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे और इसको तोड़ के हम एक बहुत सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। इसको आप इस तरीके से अपनी हथेलियों से मलते हुए इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लें और इसको तब तक आपको मसल मसल के तैयार करना है जब तक कि ये पूरी तरीके से इस तरीके से बंध ना जाए। और जब ऐसे हो जाए तो फिर आप इसको ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। तो दोस्तों यहाँ मैंने प्यूरी बना ली है, इसको बिल्कुल फाइन प्यूरी आपको बनानी है। और अगर आपके आम में रेशे हैं तो आप इसको छन्नी से प्यूरी बनाने के बाद छान लें। और मैं आपको मेज़र से बता दूँ तो मैंने 3 आम की प्यूरी बना रखी है अपने पनीर की क्वांटिटी को देखते हुए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों कढ़ाई को मैंने लो फ्लेम पर रख दी है और इसमें हम अपनी प्यूरी को धीरे धीरे करते हुए ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें, लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से आपको बताऊं तो मैं इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड करूंगी क्योंकि आम ऑलरेडी मीठा होता है और मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही मीठा डालूंगी। तो आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और आम थोड़ा सा पतला हो गया है। तो इसको 5 मिनट और पकाएंगे हम ताकि आम थोड़ा सा थिक हो जाए, उसके बाद इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पक चुका है अच्छी तरीके से और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है और काफ़ी थिक हो गया है ये, और आम का कच्चापन भी चला गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा पनीर। पनीर को ऐसे डाल देंगे इसमें और धीरे धीरे करते हुए इसको मिला लेंगे। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से मिला लिया और मिलने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं ऐड करना इसलिए मैं नहीं ऐड करूँगी। और इसको आपको थिक करना है, थिक करने के बाद उतारना है इसको। और इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे दूध की मलाई। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना करें। इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका काफ़ी मॉइस्चर सूख गया है और हमें थोड़ा सा और इसको थिक करना है, तो उसके लिए 5 मिनट और लगेंगे। पिछले 10 मिनट से मैं इसको चलाते हुए पका रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो गया है, इतनी ही हमें थिकनेस चाहिए थी। और इसके तैयार होने का एक और मैं बता देती हूँ आपको तरीका, अगर नहीं पता चल रहा है आपको तो ये पूरी कढ़ाई में आपका घी घी दिखने लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम इसे अभी निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो दोस्तों एक प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है और इसे मैं आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद हम इसके सौंदेश बनाएंगे। तो दोस्तों ये ठंडा हो गया है, 30 मिनट मैंने रखा था। और इसके छोटे छोटे से हम पेड़े शेप दे देंगे, पेड़े कुछ इस तरीके से। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बड़ा या छोटा, इस तरीके से सभी को बना लेंगे हम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सौंदेश बल्ब के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, किसी भी पूजा फंक्शन में आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।